क्वेश्चन नंबर 26, संलग्न चित्र में ज्ञात कीजिए ए तथा बी पर वैद्युत विभव। पहले क्षेत्र बना दीजिए ए बी 10 माइक्रो माइक्रो कूलम है। आपको डिस्टेंस दिया है ये 0.1 मीटर 0.2 मीटर। और पहले तो आपको VA काउंट करना है, VB काउंट करना है, और जितना चार्ज ये आपको दे रखा है उतने ही चार्ज को आपको लेकर जाना है कहाँ से कहाँ तक, A से B तक ले जाने में वर्क डन। ठीक, पहले आपको VA ही निकाल लेना चाहिए। चार्ज क्यों आप देख रहे हैं, O से A तक की दूरी 0.1 मीटर। तुरंत वैल्यू पुट कर दीजिए, एम सॉरी 10 माइक्रो का, माइक्रो का मतलब 10^-12 कूलम। 10 उड़ा करके ना एक काम करिए, इसको 100 बना दीजिए। 9×10^ कितना हो जाएगा, -3 + 2 - 1 न्यूटन मीटर जूल पर कूलम, मतलब वोल्ट ही होगा, 0.9 वोल्ट होगा। ये VA होगा बेटा, अभी VB निकाल लीजिए। अब VB निकालेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 0.45 आ जाएगा। सीधी बात यही है, आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ 0.1 की जगह 0.2 रख दोगे तो डिवाइड कर देना, और क्या, तो VB बराबर 0.45 वोल्ट। वर्क डन, चार्ज मल्टी पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी। चार्ज कितना है 10 माइक्रो माइक्रो कूलम। डेल्टा वी, वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल। 0.45 में से आप अगर 0.9 घटाएंगे तो फिर 0.45 ही आएगा, बजरते किस में आएगा, माइनस में आएगा, जूल पर कूलम। ठीक है ना, आएगा यही। कुल मिलाकर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4.5×10^-12 जूल, वो भी किस में, माइनस में। ठीक है ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन 10^6 मीटर पर सेकंड की वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं। ये सवाल मुझे मेरे समय से याद है, जब मैं 12th में था। वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकेंगे, पहले आपको एकदम क्लियर कर देते हैं। वे अधिक से अधिक कितने समीप आ सकेंगे, पहले ये सोचिए कि जब दोनों एक दूसरे की ओर छोड़े गए तो उनके पास कौन सी ऊर्जा थी, काइनेटिक एनर्जी थी। और जितना अधिक से अधिक समीप आ गए, मैं मान लेता हूं दूरी कितनी है r, इसको निकटतम उपगम्य की दूरी कहते हैं हिंदी मीडियम में, निकटतम उपगम्य की दूरी। इंग्लिश मीडियम में इसको बोलते हैं क्या, मैक्सिमम अप्रोच डिस्टेंस, मैक्सिमम अप्रोचिंग डिस्टेंस। कितना अधिक से अधिक करीब आएंगे, जैसे करीब आएंगे तो रुक जाएंगे, और रुक जाएंगे तो सारी की सारी गतिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, यानी यू में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ सके इस चीज़ को ना। और दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नेगेटिव चार्ज होंगे, यानी कि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी, कौन सी एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फॉर्मुलाइजेशन कर दीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर पहले बंदे का, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का, दूसरे का हाफ एम वी स्क्वायर, फिर दोनों की दोनों काइनेटिक एनर्जी ऐड होकर किस में बदल गई, पोटेंशियल एनर्जी में, Q1 Q2 अपान R। ये तो हाफ आधा आधा मिलाकर एम वी स्क्वायर हो गए। 1/4π ε₀ को रखने दीजिए इसे, मल्टी पहला भी इलेक्ट्रॉन दूसरा भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। R R ही रहने दीजिए, R ही आपको निकालना है। R बराबर 1/4π ε₀ कर दीजिए, E स्क्वायर अपान एम वी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आपको R निकालना है कुल मिलाकर के। अब R निकालने के लिए हमको पार तक की लड़ाई क्या करनी पड़ेगी, लड़नी पड़ेगी। देखिए आगे जो R आपको कैलकुलेट करना था,
न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको एक बार फिर दिखाएंगे हम इस चीज को। 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम, इसका स्क्वायर बटे एम बी स्क्वायर। एम बी स्क्वायर ये आ गया था यम का मतलब 9.1 10⁻³¹। ये किलोग्राम। ओके, वेलोसिटी ये हो जाएगा, आप सब कुछ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 मीटर। यूनिट आप नहीं सॉल्व कर पाइए तो हम करके दे दे रहे हैं। कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आप देख लीजिए, न्यूटन पर किलोग्राम को इतिहासकारों ने मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहा है, न्यूटन पर किलोग्राम को, और ये 1/s² ऑलरेडी है, कुल मिला के मीटर बचेगा। प्रश्न नंबर देखिए 28। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 10⁻¹⁰ मीटर है। फिर क्या रखा है प्रश्न में आगे, यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, पहले समझिए, ठीक है ना। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है ना। अब ये सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाए तब उनकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कुछ बातें, क्या चीज कि इस समय इनकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, पहले ये मेजर करिए, मेरे साथ बने रहिएगा। स्थितिज ऊर्जा कितनी है, ये है, होल स्क्वायर नाइन इंटू टेन टू दी, ये कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर मीटर स्क्वायर से, आई एम सॉरी, टेन टू दी पावर नाइन मल्टी -19 प्लस -38 हो जाएगा ये, और ये 10⁻¹⁰ ऊपर जाएगा +10 हो जाएगा। अब उसके बाद न्यूटन मीटर बराबर जूल होता है, अगर सारा कैलकुलेशन सही है तो टोटल स्थिति जो ऊर्जा 6×9=54 9×5=45 9×6=54 9×5=45 45×5 कितना 50 9×2=18 कितना 22 ये एनर्जी आई 9×54 9×45 5×50 5×9×18 18×5 8×5=23 मुझे तो यही लगता है। गुड़े 10⁻¹⁹ जूल ये स्थितिज ऊर्जा आई है दोनों की, अभी ये इतनी 2.3×10⁻¹⁹ जूल ये स्थितिज ऊर्जा है। जब आप दोनों को ऐसे रखे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों प्रोटॉन आप छोड़ दिए ऐसे, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके भाग जाएंगे, ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी के दो हिस्से हो जाएंगे, पूरे पोटेंशियल एनर्जी के दो हिस्से हो जाएंगे, आधा एक प्रोटॉन को आधा दूसरे प्रोटॉन को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरों को मिलेगा कितना ये निकाल देता हूं, दोनों को बराबर बराबर मिलेगा ये। लेकिन दूसरी स्थिति में अगर आप एक प्रोटॉन को बैठा करके केवल दूसरे को फ्री होने देंगे, केवल दूसरे को भागने देंगे, तो मात्र पूरी एनर्जी इसी को मिल जाएगी, यानी तब केवल एक आदमी को एनर्जी मिलेगी, वो भी गतिज ऊर्जा के रूप, ये गतिज ऊर्जा के रूप में मिलेगी बेटा, याद रखिएगा, स्थितिज के रूप में नहीं, तब एक ही आदमी को मिल जाएगी अगर एक को बैठा कर दूसरे को केवल छोड़ा,
केवल दूसरे को छोड़ा, एक को पकड़ लिया तो दूसरे को पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा मिल जाएगी, पूरी की पूरी। ये आपका प्रश्न नंबर कौन हो गया बेटा, 28 हो गया। प्रश्न नंबर 29 है, बताऊंगा आपको।